ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਚ ਪੋਰਾ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਿਖਰ ਮਨਾਰਾ ਨੇ ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਏ ਉਹ ਦਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਤੀ तमाम सत दस जन्म अगर लगे रहिंदे ते अपनी जड़ नाल नहीं सी जुड़ सकदे मेरे मां प्यो उस मिट्टी नूं चुम के अखां भर के वापस चले जांदे सी मेरे जिन्ने किन्ने ही होर लोकां दे मां प्यो किन्ने ही होर ऐसे लोग इसे तरह अखां भर के वापस जांदे रहे 4 किलोमीटर की दूरी पे हम नमन भी करते हैं हम दर्शन भी करते हैं और शाम को जब शांति होती तो कभी कभी इधर से कीर्तन और हुकुमनाम की कानों में आवाज भी पड़ती है इतना नजदीक लेकिन कितना दूर की 70 साल में मेरे जैसे करोड़ों सिखों को आज पहली बार यहाँ पे नमन करने का मौका मिला वजीर आलम साहब यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है मेरा कोई दोस्त नहीं मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है आज मुझे बुलावा मिला है तन बाबा नानक का जिस करके वो अरदासें जो करोड़ों मेरे भाइयों बहनों ने 70 सालों से की है आज इस गरीब को इधर नतमस्तक होने का मौका मिला मैं आज उस अरदास के साथ आई हूँ कि मेरे जैसे जहां भी अरदास कर रहे हैं उनको भी इसके खुर्दे दर्शन दीदार मिलके वो भी अपनी इबादत करें और अपनी झोली खुशियों से भर सके करतारपुर कॉरिडोर 4 किलोमीटर लंबा कल्ला एक लांगा सड़क या कॉम्पलैक्स ही नहीं सी सगों ए ते 70 वरियां दा पंध सी जेड़ा कटना नामुमकिन लगदा सी ए सिखां दी ओ अरदास भी सी जो हमेश मंगदे सी के पंथ तों विछोड़े गए गुरतामा दे खुले दर्शन दिदारे नसीब होण एक पासे एक करोड़ां सिखां दे दिलां दी भी आस सी ते दूजे पासे दो वड्डे दुश्मन मुल्कां विचकार अमन ते दोस्ती दा मुढ़ भी बन सकदा सी ए ए सदी दा ओ सब तो वड्डा अमन दा कम सी जिस ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान नोबल इनाम दा हकदार भी सी पर इंडिया दी मोदी सरकार शुरू दिन तो ही परेशान लगदी सी कदी दहशतगर्दी दे कैंपां दा इल्जाम लाया ते कदी इंट्री फीस ते तनकीद कीती ते जिस वेले दरबार साहब करतारपुर विच भारतीय सिखां ते पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमानां दीआं मुलाकातां दा सिलसिला शुरू होया ते प्यार दीआं पींघां पैण लगियां ते मोदी सरकार नूं डर पै गया कि किते नफरत दा व्यापार घट ना जावे ते फिर कोरोना दा बहाना वी मिल गया ते 9 नवंबर 2019 नूं खुलण वाला इह कोरीडोर 16 मार्च 2020 नूं इह लांघा बंद कर दिता गया पर करतारपुर साहब दा कोरीडोर करतारपुर साहब का लांघा जो कि दोवां देशां दी तालमेल नाल खुलिया सी लेकिन बदकिस्मती नाल मार्च 2020 तो वह लांघा जिहड़ा कोविड की वजह तो हिंदुस्तान की सरकार ने बंद किया है पाकिस्तान की सरकार ने 29 जून नूं महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के मौके के उत्ते उस करतारपुर साहब की जो पाकिस्तान वाली साइड है उसनों रीओपन कर दिता पर बदकिस्मती दे नाल हिंदुस्तान दे वाले पासा जिहड़ा लांघा है ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 18-19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ 70 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ SOPs ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਗਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
वागे तो 3000 बंदा आ सकता है, वाई नॉट करतारपुर साहब कॉरीडोर तो क्यों कहीं नहीं आ सकता, वो दिक्कत है।